कंफ्यूज्ड वर्ड, कंफ्यूज्ड वर्ड्स। देखो इंग्लिश में कुछ एक कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं, तो जो कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं वो एग्जाम में जब भी हम कोई ऐसे शब्द जिनको हम पढ़ते हैं एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से वर्ड को हम यूज करें। कंफ्यूज्ड वर्ड किनको बोलेंगे? मिलते जुलते से शब्द होते हैं जिनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन क्या होता है पढ़ते टाइम हम एक्चुअल में उनको भूल जाते हैं। कई बार प्राय होता है ऐसा कि इसका मीनिंग कुछ और होगा, इसका मीनिंग कुछ और होगा, लेकिन हम उसको यूज कैसे करना है, कहाँ पे किस शब्द को कहाँ पे यूज में लेना है, इस चीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सेम शब्द होते हैं, ऐसे स्पेलिंग चेंज होती है। देखो अलाउड अलाउड, प्रोनाउंसिएशन इसका सेम हो रहा है, अलाउड अलाउड, ठीक है। तो ये सेम सेम लगते हैं लेकिन ये कंफ्यूज कर देते हैं, तो वही कंफ्यूज्ड वर्ड है वो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो जो अपना टॉपिक है वो है अपना कंफ्यूज्ड वर्ड्स। देखो कुछ एक शब्द है, थोड़ा थोड़ा करके हम सारे जो कंफ्यूज वर्ड है, बहुत से कंफ्यूज वर्ड होते हैं, तो उनको हम धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके हम इनको तैयार करेंगे। जैसे हम कॉमन इडियम्स कर रहे हैं, ये कुछ एक कंफ्यूज वर्ड है। फ्रीजल वर्ड भी हम ऐसे ही करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन है वो भी हम इसी प्रकार से थोड़े थोड़े करके हम इनको याद करेंगे, जो कि एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फ्रीजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली बच्चों के वो गलत होते हैं, तो उन टॉपिक को जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं अपना कंफ्यूज्ड वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। देखो पहला शब्द क्या है, अलाउड, और ये क्या है, अलाउड, दोनों सेम है। देखो बोलने में अलाउड, अलाउड मतलब कोई चीज जोर से बोलना, तेज आवाज में बोलना, बहुत शोर टाइप में बहुत जोर से बोलना, एक ऊंचे स्वर में बोलना, तेज आवाज के साथ तो ऊंचा स्वर हो गया, तो उसको बोलते हैं अलाउड। अलाउड ये क्या होता है, अलाउ करना, किसी चीज की परमिशन देना, इजाजत देना, अनुमति देना, उसको बोलते हैं अलाउड। तो देखो इनका जो एग्जांपल है सेंटेंस के थ्रू, देखो मैंने लिखा हुआ है, पहला देखो अलाउड यानी तेज आवाज में बोलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तो प्लीज डोंट स्पीक अलाउड, प्लीज डोंट स्पीक अलाउड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी है, तो यहाँ पे हम मना कर रहे हैं कि इतना अलाउड या तेज स्वर में ऊंचे स्वर में जोर से मत बोलो, तो प्लीज डोंट स्पीक अलाउड। सेकंड अलाउ जो है वो परमिशन से रिलेटेड वर्ड है, अनुमति से रिलेटेड, तो देखो यू आर अलाउड, यू आर अलाउड टू कम हेयर, यू आर अलाउड मतलब तुम्हें अलाउ किया जाता है, परमिशन दी जाती है किस चीज के लिए, टू कम हेयर, यहाँ पे आने की तुम्हें परमिशन है वो दी जाती है, यू आर अलाउड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। सेकेंड देखो अडेप्ट अडोप्ट, अडेप्ट अडेप्ट मीन्स अपना व्यवहार करना, बिहेवियर, तो व्यवहार करना किस प्रकार से वो किसी के सामने कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे वो पेश आ रहा है, कैसे उसका बिहेवियर है, नेचर है, तो उसको बोलते हैं अडेप्ट। सेकेंड क्या है, अडोप्ट, अडोप्ट वर्ड मोस्टली हम सुनते हैं, अडोप्ट ग्रहण करना, स्वीकार करना कोई चीज, एक्सेप्ट करना स्वीकार अलग होता है, अडोप्ट मतलब किसी, जैसे बच्चे को भी अडोप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, अडॉप्ट होता है ग्रहण करना, अडेप्ट व्यवहार करना। देखते हैं एग्जांपल, यू शुड अडेप्ट लाइक वेल एजुकेटेड, यू शुड अडेप्ट, तुम्हें अडेप्ट यानी व्यवहार है वो शुड चाहिए, कि अर्थ में तुम्हें व्यवहार करना चाहिए कैसा, लाइक वेल एजुकेटेड, तो एक अच्छे से एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन भी हम लिख सकते हैं, यू शुड अडेप्ट लाइक वेल एजुकेटेड पर्सन, तो एक वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह तुम्हें व्यवहार है वो करना चाहिए, ऐसा किसी को सजेशन दिया जा रहा है। अडॉप्ट ग्रहण करना, तो ग्रहण करना मतलब कोई चीज अपने अंदर अपने व्यवहार में लेके आना, एक तरीके से किसी चीज को ग्रहण करना, स्वीकार करना, अडॉप्ट करना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, इट इज बैड टू अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स, तो देखो इट इज बैड, ये बुरा होता है, क्या चीज, टू अडॉप्ट, अडॉप्ट करना, ग्रहण करना, क्या, अनफेयर मींस, अनफेयर मतलब जो गलत, जो मींस यानी जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, गलत तरीके जो होते हैं उनको, कहां, इन एग्जाम्स, तो एग्जाम्स के अंदर जो एग्जाम होते हैं, पेपर वगैरह होते हैं, तो उन एग्जाम में
जो गलत जो मेन संसाधन है जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट करना है वो बुरा होता है, उनको ग्रहण करना है वो गलत होता है, बुरा होता है। थर्ड देखते हैं अफेक्ट इफेक्ट। ए ई दो ही चीज का अंतर है, बाकी अफेक्ट इफेक्ट और दोनों ही चीज देखो क्या है, प्रभाव से रिलेटेड है। अफेक्ट प्रभाव डालना, अफेक्ट जो होता है वो वर्ब के रूप में आता है, लेकिन ये जो इफेक्ट होता है ये इफेक्ट किस रूप में आता है, एक नाउन के रूप में आता है, नाउन के रूप में इसका यूज किया जाता है, यही इसमें डिफरेंस होता है। अफेक्ट वर्ब क्या होती है, वर्ब के रूप में काम आता है और ये नाउन के रूप में काम में आता है। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट यानी प्रभाव, किसका क्या प्रभाव, तो ये होता है नाउन के रूप में। तो देखो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, स्मोकिंग हैज अफेक्टेड, स्मोकिंग हैज अफेक्टेड, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है अफेक्ट, प्रभाव डालना। स्मोकिंग हैज अफेक्टेड वंस हेल्थ, मतलब कोई जो व्यक्ति होता है उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, उस पे प्रभाव डालता है, क्या चीज, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जो भी ये गलत चीजें होती है, स्मोकिंग है तो ड्रिंकिंग है, ये दोनों चीजें अपनी जो हेल्थ है उस पे अफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। सेकंड क्या, इफेक्ट प्रभाव, तो देखो योर स्पीच हैज एन इफेक्ट ऑन मी, योर स्पीच तुम्हारा जो स्पीच है जो तुमने मुझसे कहा है जो तुमने बोला है हैज एन इफेक्ट, उसका प्रभाव पड़ा है क्या ऑन मी, मुझ पे, सॉरी कि तुमने जो बोला है जो तुम्हारी स्पीच है उसका मुझ पे प्रभाव है वो पड़ा है, क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। वर्ब यहाँ पे क्या है, ये हैज और ये यहाँ पे अपने नाउन के रूप में आया है, तो प्रभाव किसका पड़ा, स्पीच का। तो ये देखो ये जो इफेक्ट है ये नाउन के रूप में यूज में लिया जाता है और ये वर्ब के रूप में, एक प्रभाव डाला, एक हो गया प्रभाव। फोर देखो ऑट ऑट, माइनर डिफरेंस है ए ओ ऑट ऑट, तो ये जो ए यू जी एस टी है, ए यू जी एच टी ऑट जो होता है उसका मतलब होता है कुछ, एनीथिंग, कोई चीज, कुछ कुछ के लिए आता है। ये ओ यू जी एस टी ऑट होता है ये चाहिए के लिए आता है, जैसे शुड आता है वैसे ही ये मॉडल के रूप में भी ओट टू हम यूज में लेते हैं, तो वैसे ही ये ओट है, ओट टू चाहिए के लिए इसका यूज है वो किया जाता है, ये ओट होता है एनीथिंग कुछ के सेंस में। यहाँ पे ये जनरली इस्तेमाल करेगा। एग्जांपल देखते हैं, डू यू नो, डू यू नो ओट इन दिस मैटर, डू यू नो ओट, यहाँ पे एनीथिंग भी हम बोल सकते हैं, डू यू नो एनीथिंग इन दिस मैटर, तो डू यू नो ओट या डू यू नो एनीथिंग, तो एनीथिंग के सेंस में भी ये ओट वर्ड है वो आता है, कुछ के सेंस में आता है, दोनों तरीके से सही है, डू यू नो ओट इन दिस मैटर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो ओट, ओ यू जी एस टी, चाहिए के सेंस में, मॉडल के रूप में, शुड की तरह, वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ओट टू रिस्पेक्ट, तो यहाँ ओट टू भी है, मस्ट भी हो सकता है, मस्ट मतलब जहाँ पे हम जोर दे रहे हैं, ओट टू मतलब हम एक तरीके से सुझाव, शुड के सेंस में भी हम बोल सकते हैं, जैसे भाव दर्शाता है अपना जो मॉडल है, तो मॉडल के रूप में ओटू होता है, चाहिए के लिए आता है, तो वी ओटू रिस्पेक्ट अ एल्डर्स। देखो बेल, बेल, तो ये जो बी ए एल ई जो बेल है ये क्या होता है, बंडल, और ये जो बी ए आई एल ये जो बेल है ये होती है जमानत, जैसे बैल पे किसी को छोड़ना, बहुत बार सुनते हो ये बैल वर्ड, तो नॉर्मल वर्ड है, ये जो बेल है ये होता है बंडल, तो बेल्स ऑफ कॉटन आर लाइंग देयर, bales of cotton are lying there, तो कौन से बंडल, कॉटन के जो बंडल है, ये जो bales है ये है बंडल के रूप में, तो bales of cotton are lying there, तो ये जो कॉटन के जो बंडल है वो lying यानी पड़े हुए हैं, कहाँ पे, there यानी वहाँ पे पड़े हुए हैं। bail जमानत, तो he was released on bail, bail यानी जमानत होती है, जमानत पे किसी को छोड़ना, जमानत कहाँ होती है, कोर्ट में होती है, तो he was released on bail, He was released, release यानी मुक्त कर देना, free कर देना, छोड़ देना, तो he was released on bail, ऐसी वो इसका सेंटेंस है। तो I hope आपको ये जो confused word है, पहले भी मैं confused word पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ये थोड़े थोड़े जो confused word है, दिखने में ये पांच है लेकिन ये दस word है जिनका मीनिंग भी आपको समझ में आ रहा है, example के थ्रू इनका जो कैसे इनको यूज में करना है ये भी आपको समझ में आ रहा है, और इनका कैसे कैसे क्या क्या इनमें डिफरेंस है ये भी यहाँ पे आपका सॉल्व आउट हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है,
अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को आप लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।